हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आज हम जो पाठ लेसन लेने जा रहे हैं वो नई किताब से है। आप सभी को नई किताब मिल गई होगी। वो नई किताब में पहला लेसन है, सूरज जीवन है धरती का। सूरज क्या है? सूरज जीवन मिस लाइफ, लाइफ है हमारा धरती का, मिस हमारा अर्थ, अर्थ का लाइफ है। अगर सूरज नहीं हो तो हमारा धरती भी कहीं नहीं रहेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, सब भी कुछ खत्म हो जाएगा। तो सूरज जीवन है धरती का, ये पाठ नए किताब से हम लेने जा रहे हैं। आप सभी इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और याद करेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे। चलिए सबसे पहले हम कठिन शब्द लेते हैं जो शब्दार्थ में दिया गया है। वो कठिन शब्द हैं अंबर, जीवन, आशा, फीका, पंथी, जन्म भर। अंबर मीन्स आसमान, जीवन मीन्स हमारा लाइफ, आशा मीन्स डिजायर, फीका मीन्स जो हम खाते हैं, फीका लगता है, जैसे तीता मीठा खट्टा नहीं लगता, फीका लगता है, मीन्स कोई टेस्ट नहीं, टेस्टलेस। पंथी, पंथी मीन्स राहगीर, द पाथ सीकर। जन्म भर मीन्स द होल लाइफ। नाउ इस कविता में जो मुख्य शब्द आ रहे हैं उसे भी पढ़ लिया जाए। लेट अस रीड सम ऑफ द वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स विच आर कमिंग इन दिस पोयम बिफोर वी स्टार्ट द पोयम। मुख्य शब्द है सूरज, चिड़िया, बालक, आग, शाम, झिलमिल, अंबर, आशा, सिखलाता, फूल, पंथी, जीवन, धरती। नाउ इस कविता को किसने लिखा है? कविता के लेखक के बारे में भी जानना जरूरी है। हु इज द राइटर ऑफ दिस पोएम? द राइटर ऑफ द पोएम इज, लेखक है प्रकाश मनु। हु इज द राइटर ऑफ द पोएम? प्रकाश मनु इज द राइटर ऑफ द पोएम। नाउ लेट अस गो फॉर द लेसन। लेट अस गो टेक फर्स्ट स्टेंजा। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेंजा सेज? हंसकर रोज जगाया करता सबको प्यारा सूरज, गाने चिड़िया के लाता है रोज हमारा सूरज। हंसकर कौन जगाता है हमें सुबह सुबह? सूरज जगाते हैं। जब सूरज उगता है तो हम भी उठते हैं। सो जब हम उठते हैं तो कोई भी है जो उठते समय रोता है? कोई नहीं रोता, हर कोई उठकर मुस्कुराता है, भगवान का इस प्रार्थना करता है और हंसते हुए उठता है। सो ये हमें क्या सिखाते हैं ये पोएम? हमें पहला स्टैंजा दो लाइन का क्या सिखाते हैं कि सूरज जब उगता है तो हमें हंसकर उठना चाहिए, और हंसकर सूरज हमें उगाता है, और जब सूरज जब उग जाता है किधर से उगता है? ईस्ट से, पूरब से। तो क्या होता है? गाने चिड़िया के लाता है रोज हमारा सूरज। जब हमारा सूरज उगता है तो चिड़िये भी उगते हैं, चिड़िया भी उठ जाती हैं, चिड़चिड़ाने लगती है, चहचहाने लगती है, पेड़ों पर फुदकने लगती है। आवाज सुना है आप सभी ने, जो जो सुबह सुबह उठते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग जो सुबह राइजिंग अप, दे टू हियर दिस साउंड, दिस साउंड द बर्ड्स चिरपिंग साउंड्स। इफ वेक अप लेट यू विल नॉट लिसन टू दिस साउंड, सो यू हैव टू वेक अप लेट। If you wake up late, miss finish, cannot hear the sound. You have to wake up early in the morning. So, हंसकर रोज जगाया करता सबको प्यारा सूरज, गाने चिड़िया के लाता है रोज हमारा सूरज। जब हमारा सूरज उगता है, when the sun rises, we used to wake up. And birds started chirping because of the sunlight. Now, let's go for the second stanza. बड़े सवेरे सोने जैसा, बड़े सवेरे में early in the morning, लगता बालक बोला। जब हमारा सूरज जब उगता है फ्रॉम ईस्ट, पूरब से जब सूरज उगता है तो हम उसे देख पाते हैं, लगता है इतना छोटा भोला बच्चा एक निकल रहा है, तेज दौड़ने लगता है, फिर बना आका गोला। लेकिन जब ये सूरज आस्ते आस्ते जब ऊपर उठता है तो उसकी धूप, द रेज, द लाइट ऑफ द सन व्हेन स्टार्टेड कमिंग ऑन द अर्थ स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो क्या होता है? सूरज के धूप लगने लगती है, द
तब क्या होता है, सूरज जब आस्ते आस्ते उगते उगते जब ऊपर आने लगता है तो तेजी से पार करते हुए पूरब से पश्चिम की ओर जाने लगता है। जब वो ऊपर आ जाता है तो वो आग का गोला बन जाता है। सुबह सुबह वो कैसा रहता है, एक भोला बालक की तरह रहता है। बालक मीन्स इन्फेंट चाइल्ड, इन्फेंट बेबी। एक छोटा बेबी को आपने देखा होगा, कितना सुंदर लगता है, कितना भोला लगता है। ठीक सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग व्हेन इट राइजेस अप इट लुक्स लाइक दैट, बट व्हेन इट गोज अप इट बिकम बॉल ऑफ फायर। फिर क्या होता है, थर्ड स्टेंजा व्हाट इट सेज, शाम डूबने से पहले मन झिलमिल सा हो आता, जाते जाते भी अंबर को आशा से रंग जाता। शाम डूबने में जब वो सूरज ढलने लगता है, ढलने का मतलब जब सूरज जब वेस्ट में सेट डाउन जब होने लगता है, शाम जब ढलता है तो क्या होता है, हमारा मन बेचैन हो जाता है। अब तो शाम होने वाली है, अब अंधेरा होने वाला है, अब तो रात आने वाली है, जाते जाते भी अंबर को आशा से रंग जाता। लेकिन जब वो सूरज डूबने का पहले, आपने सभी शाम का दृश्य जरूर देखा होगा, जब शाम को सूरज ढलता है तो उस समय लालिमा छा जाती है। जैसे मॉर्निंग में सुबह में लालिमा छाती है, उससे थोड़ा अधिक ज्यादा जब सूरज डूबने लगता है, सेटिंग डाउन, व्हेन द सन सेट्स डाउन एट द टाइम द वेस्ट साइड यू विल सी इट्स full of reddish color, beautiful colors comes out in the sky. तो जाते जाते भी अंबर को आशा से रंग जाता। आशा means with the hope that tomorrow again we are going to see this scene. आशा यही करते हैं कि कल भी सूरज उगेगा, कल भी धूप होगी और शाम इसी प्रकार हमें एक सुंदर नजारा देखने को मिलेगा। तो थर्ड स्टेंजा क्या कहता है, शाम डूबने से पहले मन झिलमिल सा हो आता, जाते जाते भी अंबर को आशा से रंग जाता। लेट्स गो फॉर द फोर्थ स्टेंजा। सूरज सिखलाता है हमको बड़े सवेरे उठना। सूरज जब उठता है तो क्या सिखलाता है, कि सूरज जब उठ गया यानी हमें भी उठना चाहिए, वी हैव आल्सो हैव टू राइज अप बिकॉज़ सन हैज राइजन अप। सो सूरज जब सिखलाता है हमें, क्या सिखलाता है, कि हमें सवेरे सवेरे उठना चाहिए, प्यार भरे नन्हे फूलों सा हंसते गाते खिलना। सूरज जब उगता है तो नन्हे नन्हे फूल जो होते हैं, द बर्ड्स ऑफ फ्लावर्स, दे आल्सो ब्रश अर्ली इन द मॉर्निंग, नॉट इन द आफ्टरनून, अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन द सन राइजेस। सो सूरज हमें सिखलाता है कि हमें भी उठना चाहिए, और फूल भी हमें यही सिखलाता है कि हमें उठना चाहिए, क्योंकि फूल भी उठ जाते हैं उस समय। नाउ फिफ्थ स्टेंजा सेज, पूरे काम करो दिन भर के, कभी ना छोड़ो कल पर। दिन भर तुम्हारा जो काम है, आप अभी अध्यापक है, यू आर ए स्टूडेंट नाउ, व्हाट इज योर डेली वर्क, योर डेली वर्क इज टू गो टू स्कूल, नाउ ड्यू टू लॉकडाउन यू आर स्टेइंग एट होम, बट यू हैव ड्यूटी टू डू योर वर्क, व्हाट इज योर वर्क नाउ इन टाइम, सिट डाउन टू स्टडी, किताब लेके बैठो पढ़ने के लिए, जैसे मैं अभी पढ़ रहा हूँ, आप भी घर में पढ़ो, समय पर पढ़ो, मीन्स पूरे काम करो दिन भर के। दिन भर तो आपका जो काम है, क्या काम है, पढ़ना काम है आपको, कभी ना छोड़ो कल पर, ये मत छोड़ो, कल पर मत छोड़ो, डोंट कीप फॉर टुमोरो, कल के लिए कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पूरे काम करो दिन भर के, कभी ना छोड़ो कल पर, सूरज सिखलाता पंथी सा चलते रहो जन्म भर। सूरज हमें क्या सिखलाता है, पंथी किसे कहते हैं, पाथ सीकर, जो पाथ जो रास्ते चलते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, वो नहीं चलेंगे तो जगह में खड़े रहेंगे, जब चलते हैं तब वो आगे बढ़ते हैं। सो सूरज हमें वही सिखलाता है, सूरज भी जब उगता है तो वो रुकता नहीं है, अगर सूरज रुक जाए तो क्या होगा, सोचिए आप, अगर सूरज आसमान में बीच में आके रुक जाए तब क्या होगा, इसके बारे में सोचिए। सो सूरज कभी रुकता नहीं है, वो पंथी राहगीर की तरह चलते रहता है, सूरज भी चलते रहता है, हमें भी अपने जीवन में चलते रहना चाहिए। जीवन में हमारा अपना कार्य करते रहना चाहिए, आपका काम है पढ़ना लिखना और मम्मी पापा के बातें सुनना। नाउ लास्ट स्टेंजा क्या कर रही है, सूरज बिन सब और अंधेरा, लगता सब कुछ फीका। सूरज बिन, बिना सूरज के सभी और अंधेरा, जैसे सूरज डूब जाता है, व्हेन द सनसेट इन द वेस्ट इन द इवनिंग आफ्टर दैट नाइट फॉल्स, क्या होता है रात में, क्या होता है नाइट्स, what's happened in the nights, the whole around us become dark. So
सूरज बिन सब और अंधेरा, लगता सब कुछ फीका, फीका फीका लगता, अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए तो कहते हैं सूरज जीवन है धरती का, इसलिए हम सूरज को कहते हैं, सूरज ही हमारा लाइफ है। सूरज अगर नहीं हो तो हमारा लाइफ नहीं है, सूरज है तो हमारा धरती है, हमारा धरती है तो हम हैं। सन इज देयर, आवर अर्थ इज देयर, बिकॉज ऑफ आवर अर्थ वी आर हियर, अदरवाइज वी वेयर नो वेयर। सो इस कविता से हम क्या सीखते हैं कि सूरज धरती पर जीवन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। स्रोत मीन्स द स्रोत जिसे हम कुछ लेते हैं। सो सूरज से हम सब कुछ लेते हैं, धरती सूरज से सब कुछ लेती है, बिना सूरज के कुछ नहीं हो सकता। तो आप इस कविता को पढ़ेंगे घर पर, लिखेंगे कॉपी में और याद भी करेंगे, और अगले वीडियो के आप इंतजार करें। धन्यवाद।